हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। और आज हम बनाएंगे काली मसर दाल, जो कि बिल्कुल ढाबे जैसे बनती है। सबसे पहले मैंने 2 कटोरी ली है काली मसर दाल। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने डाला है नमक। नमक मैं थोड़ा कम ही डालूंगी क्योंकि मैंने बाद में भी डालना है। मैंने छोटा चम्मच लिया है, ये थोड़ा थोड़ा डाल दिया। और हल्दी और पानी मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूंगी। और इसकी 4 से 5 सीटी लगा लूंगी। दाल को इतनी सीटी लगानी है कि दाल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से गल जाए। अब उधर दाल रख दी है, ये मैंने तड़का लगाने के लिए काट लिया है। प्याज मैंने ऐसे लंबे काटे हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन लिया है, धनिया और टमाटर। अदरक और जो लहसुन है इसको मैं कूट लूंगी। अदरक लहसुन को कूटने से इसका अलग टेस्ट आता है। वैसे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं ग्राइंड, पर कूटने से इसका अलग फ्लेवर आता है। अब कढ़ाही में मैंने लिया है ऑयल। और मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा जब थोड़ा सा काला हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया हींग और अदरक और लहसुन का पेस्ट। जितना भी मसाला आप अच्छे से पकाओगे उतनी ही दाल टेस्टी बनती है। अगर आप नहीं पकाओगे और कच्चा रहेगा तो उस दाल अच्छी नहीं बनती। अब मैं ये जो अदरक लहसुन डाला है इसको भी, जब तक ये थोड़ा सा कलर चेंज कर देगा तब तक भूना। फिर मैंने डाल दिया इसमें प्याज। अब मैं प्याज को भी अच्छे से भूनूंगी और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर। ये मैंने मिर्च, हरी मिर्च थोड़ी सी कूट के रखी हुई है वो, लाल मिर्च और हल्दी। ये देखो दाल, इसकी 4 से 5 सीटी लगाई है मैंने। ये देखो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है दाल। अब देखो प्याज ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से भून गया। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। धनिया अगर आप ऐसे तड़के में डालोगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने जो टमाटर थे उसकी प्योरी बना ली है। प्योरी मैंने जब डाली है, जब बिल्कुल प्याज अच्छे से भून गए हैं, तब मैंने उसमें टमाटो प्यूरी डाली है। और इसको मैं ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। ढकने के बाद मैंने 5 मिनट बाद इसको देखा तो ये ऐसे हो गया है तड़का। अब मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैंने कड़छी में लिया है देसी घी, 1.5 चम्मच है ये देसी घी। इसको
इसको थोड़ा गरम करके इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च और ये लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल दूँगी और ऊपर से दाल को तड़का लगा दूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है दाल का। ये दाल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है और ऐसे ही दाल अच्छी लगती है। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। और ये दाल खाने में भी हल्की होती है। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हो और चपाती के साथ भी खा सकते हो। Thanks for watching. Bye bye. Take care.